कि देखिए रणनीति यही है कि या तो इनके पैसे लौटा दें, 3-4 दिन का समय दे रहे हैं हम, इसके पश्चात अगर नहीं लौटाते तो आज हम यहाँ अमर जवान ज्योति से, यहाँ से हमने यहाँ से अभियान शुरू किया है, महा आंदोलन शुरू किया है। हम कुछ नहीं देखेंगे, आर और पार की लड़ाई होगी। हमने यहाँ से सीधा एक नारा चलाया है, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। मतलब सीधी बात यह है कि इस घोटाले में संरक्षक देने वाले मुख्यमंत्री जी के बेटे का भी नाम आ रहा है, प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा जी का भी नाम आ रहा है, और जो घोटाला करने वाला व्यक्ति वो डोटासरा जी के खुद के गांव का है, और जो सरपंच है वहां के उनका बेटा है, और जो सुभाष और रणवीर वगैरह है जो, और वो एनी टाइम प्रदेशाध्यक्ष जी के साथ रहने वाले, और जो कांग्रेस में जो पूरी तरह से एक्टिव है वो, तो ऐसे में जो इनके खिलाफ हम लोग बहुत बड़ा मोर्चा खोलेंगे और हम इनको मतदान की ताकत बताएंगे। आज जिन फौजी भाइयों के साथ यहाँ गलत हुआ है, ये वो शेखावाटी के फौजी भाई हैं जो राजस्थान के योद्धा के रूप में पाकिस्तान बॉर्डर पर आतंकवादियों के छक्के छुड़ाते हैं, और ये फौजी अगर दिमाग घूम गया इनका, क्योंकि ज़्यादातर जो टारगेट हुए हैं इसमें 70% फौजी भाई लोग हैं, और इनका अगर दिमाग घूम गया तो सरकार को ये भी भनक नहीं लगेगी कि हमारे साथ ये क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ, कुछ भी इनको पता नहीं लगने वाला। और हम अपने हिसाब से इसकी आगे की रणनीति भी जाहिर करेंगे, सबके सामने मीटिंग होगी, हमने आज कमेटी बनाई है। सरकार में जो सैनिक एवं कल्याण मंत्री थे राजेंद्र गुड्डा जी, उस वक्त उनको भी इस मामले से अवगत कराया गया था, वो मुख्यमंत्री जी तक इनको लेके भी गए थे, मुख्यमंत्री जी ने माना था कि हाँ वास्तव में गड़बड़ हुई है, और माना था इसीलिए उन्होंने कमेटी बनाई थी इसमें कि इस मामले की पूरी जाँच करवाओ, और जाँच में इन्होंने जो कमेटी बनाई थी उस दौरान, तो कमेटी में उन्हीं लोगों को डाल दिया जो लोग इनके ही गुर्गे थे, जो कंपनी नेक्सा एवरग्रीन कंपनी में मुख्य रूप से जो लीडर्स थे उन्हीं को बना दिया, जो लोग आज इनसे समझौते करवाते डोल रहे हैं, राजीनामे करवाते डोल रहे हैं कि तुम राजीनामा कर लो तुम्हें पैसे वापस दे देंगे। भाई चलो ठीक है, एक बार के लिए इन्होंने गलती से राजीनामा कर लिया, तो भी 12,500 करोड़ का घोटाला है, कितने लोगों के साथ अन्याय हुआ है आप देखिए। ये कुछ गिने चुने लोग राजीनामा कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो बाकी को क्या होगा, तो ये बिल्कुल भी हम कहीं भी समझौता करने वाले नहीं है। आर पार की लड़ाई होगी, अब सरकार कान खोल के सुन ले। मुख्यमंत्री जी अगर आप लोगों के संरक्षण में, गहलोत साहब अगर आपके संरक्षण में हुआ है, डोटासरा जी आपके संरक्षण में ये घोटाला हुआ है, तो जो शेखावाटी और आसपास के जो जिले हैं उनसे हो, चाहे आउट ऑफ स्टेट के किसी भी व्यक्ति के पैसे लगे हों इसमें, जिसके साथ ठगी हुई है, उसके साथ गलत हुआ है, 420 हुई है, तो उसमें तुरंत प्रभाव से इनको एक तो गिरफ्तार करो, वापिस जो बचे हुए हैं उनको गिरफ्तार करो, जो आपने कुछ लोगों की तो जमानत भी होगी, ये देखिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जमानत भी होगी इतने बड़े मामले से, तो इसमें तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए इनके साथ न्याय होना चाहिए, नहीं तो भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। हमने स्पष्ट रूप से अभियान चलाया और गाँव गाँव ढाणी ढाणी, हर गाँव ढाणी में कई गाँव तो ऐसे हैं जिनमें 100-100 करोड़ से ऊपर रुपए डूबे हैं लोगों के, मतलब पूरा गाँव का पूरा पैसा खाली हो गया, 100-100 करोड़ एक गांव से जाना बहुत बड़ी बात होती है, बड़ा दुर्भाग्य है ये कि इतना बड़ा कांड हो गया और राजस्थान की सरकार सो ही रही, आचार संहिता लग गई, अब आप चुनाव की तैयारी कर रहे हो, ऐसे ही कैसे करोगे आप चुनाव की तैयारी? हम आपको बताएंगे हमारी ताकत क्या है, हमारे मतदान की ताकत क्या है, हम बताएंगे आपको, हम जाएंगे गाँव गाँव ढांडी ढांडी लोगों को जगाने का काम करेंगे और आपके खिलाफ जो है चुनाव में मतदान करवाएंगे, और जो कान खाल के सुन ले, न्याय होना चाहिए, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, यही हमारा अब नारा होगा, और आगे की रणनीति यही कि गांव गांव जागृति अभियान चलाएंगे और इनके खिलाफ मतदान के लिए मतदान वोट मांगेंगे, इनके खिलाफ कहेंगे कि भी इनके खिलाफ वोट डलना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए।